भाई साहब जो जो मेरी झोली में आएगा मैं सारा कुछ उठा लेना। खाते हैं और हालत खराब करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। धक्के मारने देंगे नहीं। हेलो फूडीज, स्वागत है आपका फूडीज जी में। हमेशा की तरह हम लेके आ रहे हैं कुछ लोगों का कुछ अद्भुत कुछ विश्वसनीय। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी दशहरा इन एडवांस। तो जी दशहरे का नाम सुनते हैं ना मुझे याद आता है बचपन, क्योंकि बचपन में यार दोस्त इकट्ठे होते थे, हम खुद अपने पार्क में रावण बनाते होते थे, उसमें पटाखे लगाते होते थे और फोड़ते होते थे। भाई इतने ज्यादा नजारे वाले दिन थे ना। अगर आपने भी अपना बचपन उसी तरीके से जिया है या फिर अभी तक जी रहे हो और खुद रावण बनाते हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बिल्कुल। तो बेसिकली दशहरा मनाया जाता है बुराई पे अच्छाई की जीत को रिप्रेजेंट करने के लिए, और आज हमारी वीडियो में खास गेस्ट आने वाले हैं रावण। जैसे कि आपको पता है रावण एक बहुत ही महान योद्धा थे, बहुत ही ज्ञानी राजा थे। तो आज हमने रावण बनाए हैं बड़े सुंदर और उसके 10 सर भी लगाए हैं, बट वो 10 सर हमारे लिए 10 डेयर्स भी लेके आए। ये वीडियो बनाने में बहुत ही मजा आने वाला है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, करते हैं वीडियो को शुरू। तो आप सब यानी कि फूडी वी के सब्सक्राइबर्स हमेशा रहते एक्साइटेड टू बी द पार्ट ऑफ फूडी वी की वीडियो, और अब आपको मिलने वाला है मौका फूडी वी की वीडियो का पार्ट बनने का। हम बताते हैं कैसे। तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आपको उस लिंक को क्लिक करना है और खरीदना है ओम धातु का दिवाली हैम्पर, और उस दिवाली हैम्पर में से निकलेगी कुछ लकी विनर्स को टिकट, और टिकट होने वाली है टू बी पार्ट ऑफ फूडी वी की वीडियो। तो गाइस जल्दी जाओ ओम धातु का अमेजिंग सा हैम्पर खरीदो एंड लेट्स सी कितने लोग एक्साइटेड है फूडी वी का पार्ट बनने के लिए। भाई साहब देखो क्या सुंदर रावण बनाया है मैंने, ओंकार और मुक्ति ने। हाँ। जो इसके चेहरे हैं वो मैंने स्वयं प्रिंट आउट करवाए थे। तो गाइस ये रावण के 10 सर के पीछे है 10 बलून्स, हर बैलून में है एक पर्ची और उस पर्ची में लिखा है एक बहुत ही गजब का डेयर। हमने बैलून फोड़ने हैं डार्ट से। मुक्ति जल्दी से डार्ट लिया, एक एक बैलून फोड़ते हैं और देखते हैं किसको क्या डेयर आता है। लेट्स डू इट। तो जी ये होने जा रहा है हमारा हथियार, कर देगा सब कुछ आर पार। मुझे नहीं फोड़ना, उधर फोड़ना है। ओए, ओए, ये रावण मेरा 300 बार खा गया। ये देखो आर पार भी हुआ। और कार की डेर है मिक्स 10 soft drinks एंड ड्रिंक इट। तो जी 10 ड्रिंक्स को मिक्स करके पीने का चैलेंज तो मुझे मिल चुका हुआ है। वाँ वाँ वाँ। तो जरा चेक करें कैसी कैसी ड्रिंक्स मिक्स होने जा रही है आज। मुक्ति तेरा फेवरेट कलर कौन सा पहले ये बता। वैसे तो मेरा फेवरेट कलर है पिंक, बट तुम्हें एक मैं बात बताना चाहती हूँ, जब सारी चीजें मिक्स हो जाती है ना तो वो अच्छी नहीं होती है। कोई पता नहीं भाई साहब, हो सकता है आज दुनिया का 8वां अजूबा बना दूं मैं। ऐसा लग रहा है वाइन प्रिपेयर हो चुकी है, एप्पल जूस लग रहा है ना देखिए। सच्ची में ऐसा लग रहा है कि मैं क्रैनबेरी जूस पीने वाला हूँ। भाई साहब ये जो थी ना चेरी फ्लेवर की पेप्सी, सच्ची बोल रहा हूँ ये मैन ऑफ द मैच निकल गई, सिर्फ इसी का फ्लेवर आ रहा है और किसी का टेस्ट ही नहीं आ रहा है। अब इसका एक बार इसका घुट मार, एक बार इसका घुट मार। घुट मारने लायक बची नहीं हूँ। सेम ना सेम ना भाई, कभी भी जिंदगी में ना चेरी फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक मत ले लेना क्योंकि उसका इतना गंदा फ्लेवर होता है ना। फ्लेवर तो आई नहीं रहा, ऐसा कड़वे बादाम डाल दिए, बहुत ही गंदा फ्लेवर यार। ये अंग्रेजों की जो चेरी है ना सच में इंडिया के कड़वे बादाम है, पर पीना पड़ेगा, चैलेंज है। यू कैन डू इट। यस यू कैन डू इट। मुंह फोड़ देना है। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। क्रिकेट में जाएगा तू आगे। ईट जायंट फूड। और तुझे खत्म करना पड़ेगा। खत्म नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस मेरा जायंट फूड आई है तो मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को कुछ टेम्पटिंग यूनिक और टेस्टी सी चीज दिखाऊं। देखो जायंट पिज्जा आपने देखा होगा, बर्गर आपने देखा होगा, डोसा आपने देखा होगा, भाई हमने ही दिखाया, देखा ही होगा। पर आज हम आपको ऐसी जायंट देसी चीज दिखाने जा रही, कभी नहीं देखी होगी। आज हम आपको दिखाने वाले हैं जायंट कुलचा, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा कुलचा भाई साहब। और मैंने खाना है पूरा। तूने खाना है पूरा, अगर खा पाया तो। एक फिजिकल कैपेसिटी भी होती है आदमी की यार, है हद ही हो गई मतलब।
भाजी ये जो कुलचे है कितने लोग खा लेते हैं? चार बंदे। चार, एक बंदा खा लेगा? अगर एक बंदा ने खा लिया ऐसा कोई प्राइस फ्रीज वाला सिस्टम नहीं शुरू किया भाई? नहीं, वो करना है हले। करना है? वो करना है हले। भाई साहब जरा कुलचे का एक बारी साइज चेक करो और फिर इस बेचारे का मुंह चेक करो, मतलब मुंह से कितना ज्यादा बड़ा है ये कुलचा। और फिर ये सोचो कि मैं भी वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं हो पाएगा, ऐसी चीजें खाओगे कैसे होएगा? मैं सच्ची बताऊँ, जिस रेट पे ना सिर्फ अच्छी लस्सी मार्केट में मिलती है, हाँ, उतने में भैया कुलचे के साथ फ्री लस्सी दे रहे हैं। ये कुलचा है 300 रुपए का, साथ में लस्सी फ्री है, अनलिमिटेड छोले, अनलिमिटेड चटनी। भाई सच्ची में मुझे सस्ता लग रहा है। मैं पूरा ये खा पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा ये तो मुझे पता नहीं, बट मुंह में पानी बहुत आ रहा है। जल्दी ये भी देख लेते हैं क्या ये टेस्टी है या नहीं। आदि थोड़ा सा मैं तेरा इसमें साथ दूंगा क्योंकि टेम्पटिंग बहुत ज्यादा है। टेम्पटिंग मेरा भी मन कर गया। देखो जो बुर्की बनाई है ना उसमें ऐसे फील नहीं हो रहा कि हम कोई जायंट कुलचे का खा रहे, क्योंकि नॉर्मल जितनी पतली नॉर्मल कुलचे की लेयर होती है उतनी पतली है, जो कि अच्छी बात है। क्राफ्ट्समैनशिप चाहिए इसको बनाने में। भाई इतना भारी लव्स बोला आदित्य ने, वो भी चटनी ले थोड़ा बोले। अगर आपको ये देख के अच्छा लग रहा है, बहुत ही यूनिक लग रहा है, तो आपको पता है आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। भाई साहब ओ माय गॉड सो बिग कुलचा। और जिन लोगों को मेरे पे तरस आ रहा है उसको भी वीडियो पे लाइक करना प्लीज। खा इसको। जाती हो रही है मेरे साथ। रावण इससे डर जाएगा। फॉर टू प्लेयर्स और मेरे लिए मुक्ति ने बनाना है बहुत ही स्वादिष्ट का खाना। अगर ये बना भाई तो ओंकार भाई मैं कह रहा हूँ मुक्ति को केक देते हैं बनाने के लिए। यार केक क्या, बर्थडे थोड़ी है, पिज्जा बोलते हैं। पिज्जा भी दे सकते हैं हाँ। पर मेरा केक खाने का मन हो रहा है। मेरा पिज्जा खाने का हो रहा है। ओए हमने सोच लिया हुआ, तूने क्या बनाना है पागल? तूने बनाना है केक, और अगर केक स्वाद नहीं हुआ हाँ। तो तुझे बनाना पड़ेगा पिज्जा। नहीं केक अच्छा बनाऊंगी, कोशिश करूंगी अच्छा बनाने की। अच्छा बनेगा नहीं बनेगा उसकी मैं गारंटी नहीं लेती, पर अच्छा बनाऊंगी। चल बता दे। सो गाइस मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रिपेयर करूंगी बिस्कॉफ केक, जो कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा स्वाद मिलता है, मैंने कभी बनाया नहीं है। बहुत ही महंगा भी मिलता है, और मैडम ने बजट कटिंग के लिए यहाँ पे यूनिबिक के डुप्लीकेट बिस्कॉफ लेके आई है। ये यार ये मैंने असली खरीदा है, मतलब ये मैंने लोटस का ही खरीदा यार, ये डुप्लीकेट था नहीं ना। गाइस इमेजिन करो ये आदित्य ओंकार का फेस है, इसको रखो, इसको अपने अच्छे से कूट ले। ये बिस्किट हो चुके एकदम चूरा चूरा। अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध टुकड़े अनुसार और इसको कर देंगे एकदम मिक्स। बैटर हो चुका है हमारा तैयार, अब बारी है इसके अंदर डालने की बेकिंग पाउडर, जो कि हम डालेंगे थोड़ा सा। देखो इसके अंदर सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट डले हैं और उसके बाद ये जाएगा सीधा ओवन में, आधे घंटे में इसको बाहर निकालेंगे और हमारा केक हो जाएगा एकदम तैयार। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुक्ति कुछ इतनी ज्यादा टेम्पटिंग सी चीज बना यार, देगी। देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है खोए की बर्फी बनाई है मुक्ति ने। मुक्ति को चेक कर ले फोकस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि लोगों को देखना ये बहुत जरूरी बनता है। नहीं यार ये सच्ची बहुत अच्छा बना है मुक्ति, मजा आ गया, मुझे उम्मीद नहीं थी मुक्ति से। बनते वक्त जो खुशबू आ रही थी गजब की, मतलब फ्यूचर में ऐसा भी फीचर आना चाहिए कि हम वीडियोस बनाए और जो उसका असेंस अरोमा है वो आप तक पहुंच पाए। यार देख के ही मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्वाद है। थोड़ी छोटी बाइट दियो, मैं डाइट पे चल रहा हूँ। बड़ा आया बनवाने के चक्कर में, पिज्जा भी बना दे ये भी बना दे। अच्छा तो बहुत है, अच्छा है, पर एक चीज है, इसका जो वो माल है ना वो मुंह में थोड़ा चिपक रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट इट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट केक्स जो घर पे मैंने खाया है, घर पे बना के। दो मिनट, ओंकार को ना कोई मतलब वो है, पहले ऐसे लिप्स पे फसाया, अब नाक के अंदर घुसा दे, क्या चाहिए तुम्हें? बोल जाए होता है ये, देखो बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, जोर थोड़ा कम था।
अंडर 60 सेकेंड। मतलब जो कुछ भी इन्होंने उठा लिया एक मिनट के अंदर, उसका बिल मुझे देना पड़ेगा। Good one. हाँ जी, तो are you ready? Yes, we are ready. तुम्हारा जो टाइम है उसे करते हैं शुरू। भाई साहब, जो जो मेरी झोली में है मैं सारा कुछ उठा लेना। भूखे कर दो झोली मेरी, कर दिया तुमने तो भाई। दिवाली आ रही है ना, ड्राई फ्रूट जरूरी है घर के लिए। बस हो गया, टाइम हो गया, नहीं उठानी, चीज नहीं उठानी, हो गया 60 सेकंड। हाँ हो गया। बस इस चीज का दुख है कि तुम्हारा रगड़ा नहीं लग पाया अच्छे से, सिर्फ बादाम और काजू ले पाया मैं। अब कुछ ओंकार ने हमें बोला था कि तुम ना वो नहीं ले सकते, ट्रॉली नहीं ले सकते, हमारे पास अपनी भगवान की दी ट्रॉली है, झोली है हमारे पास। ट्रॉली तो बहुत छोटी है, हमारे पास है झोली। तो जी खर्चा हो गया ज्यादा, अब देखते हैं अगला डेयर क्या होने वाला है। यस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। यस यस, क्या बात है यार। यार मैं तो बस ना वैसे ही ओलंपिक्स में जाता नहीं हूँ, नहीं तो मेरा तो मेडल ऐसे ही आ जाए इधर उधर ही। हाँ, वहाँ पे रावण पोंडे की गेम होती है ना जैसे। ओहो, इसमें तो मजा आने वाला है। प्रैंक कॉल ऑन डोमिनोज, क्या बात है, करते करते तो भाई डोमिनोज में मिला दे जल्दी से फोन। मैं ना आज बनने वाला हूँ बिड़ू, चंडीगढ़ का बिड़ू, चंडीगढ़ का जैकी श्रॉफ। गुड आफ्टरनून बिड़ू, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। ये बिड़ू अपना बड़े वाला पिज्जा कितने इंच का आता है? सर इंच की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, पर उसमें जो बड़े वाले होते हैं उसमें 8 पीसेस होते हैं उसमें। बिड़ू कोई अपने पास ऐसा पिज्जा भी है जो 10-15 लोग खा सके? क्योंकि 8 पीस में तो अपना नहीं बनेगा सर, एक पिज्जा में तो नहीं हो पाएगा सर। आपको जैसे 10-15 लोग के लिए 4 पिज्जा लेना पड़ेगा। 2 पिज्जा मंगा लेना। तेरे को बोला ना चुप रहने को। ये भैया मेरी बीवी बीच में बहुत बोलती है, इसका इलाज बताओ पहले तो यार। सॉरी, ये तो बहुत लफड़ा हो गया है बिड़ू, बहुत लफड़ा हो गया है। फैमिली छोटी कर ले अपनी, मुझे लग रहा है 2-4 लोग को टपकाना पड़ेगा बिड़ू फैमिली में से। यही इलाज है बिड़ू इसका तो। 3-4 लोग लीजिए सर। आदित्य ना बिड़ू, ये तो मैं जैकी बोल रहा हूँ बिड़ू। जैकी आप होम डिलीवरी लेंगे या पिकअप ले जाएंगे सर? बिड़ू घर पे ही खाएंगा ना, आप फोन पे ऑर्डर कर रहे हैं। अगर जाके खाना होता तो मैं जाके ही ऑर्डर कर लेता ना। फैमिली को टपकाना पड़ेगा ना। तो हाउ वाज इट? इट वाज गुड। बिड़ू क्या बोलता है बिड़ू? पब्लिक क्या बोलती है रे बिड़ू? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने बिड़ू लोग के साथ शेयर कर देना। वाओ, प्रोफेशनल। शुक्र है। Yes! Your favorite snack and burn same calories. Mukti, get ready to burn your calories. मुक्ति, क्या खाने वाली आज तू? जल्दी से यार देखो, मुझे इतना बहुत अच्छे से पता है कि चीजें कैलोरीज ऐड करना बहुत इजी होती है, बट कैलोरीज बर्न करना बहुत मुश्किल काम है। ये बात तो मैं चीज जो खाऊंगी स्वाद भी खाऊंगी बट थोड़ी खाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ गोलगप्पे खाने का। चलाक हो रही है लड़की। तो भाई साहब अकॉर्डिंग टू गूगल एक गोलगप्पे में होती 40 कैलोरी, तो मुक्ति अगर एक प्लेट गोलगप्पा खाएगी तो 250 कैलोरीज को बर्न करनी पड़ेगी। मैं सोच रही हूँ मैं 5 का गोलगप्पे खाऊं, 200 कैलोरीज बहुत है यार। मैं जॉगिंग करती हूं, अच्छी लग रही है। ये तो गलत बात है यार, ये तो गलत बात है। मतलब गोलगप्पे की पूरी प्लेट तो खानी बनती है। मेरे को अपनी डाइट खराब करने का बिल्कुल शौक नहीं है। मिक्स कर देना पानी। ये गई मुक्ति के अंदर 40 कैलोरीज, 40 कैलोरीज इन साइड। ये गई 80 कैलोरीज। मुंह बंद कर। मैं तेरे को याद दिला रहा हूँ कि तुझे कितना भागना पड़ेगा अभी। गोल गप्पे खा के आ गया मजा, और अब जी बारी आ गई है ऑफ मुक्ति की सजा। क्या बात, आज नई मूवी बनेगी भाग मुक्ति भाग। A few moments later. इस पार्क के ना छोटे वाले पार्क के मैं 5 गेड़े मार चुकी, अब जाके मेरा 1 गोल गप्पा पचा है। बाय। ठीक है मुक्ति, 10 कैलोरीज मैं भी बर्न करूंगा तेरे नाम की।
One eternity later. तो अपने चार गोल गप्पे पचाने के बाद मैंने अपनी बर्न कर ली हुई 180 कैलोरीज और अब देखते हैं कि अगला डेयर क्या आने वाला है। अब आएगा ना मजा पिड़ू। Eat 3x spicy noodle. जब तक स्पाइसी वाला ओंकार को आता रहता है ना मेरे को बड़ा मजा आता है क्योंकि मेरे से खाई नहीं जाती स्पाइसी। भाई साहब मुझे लगता है सच्ची हुए जन्मों जन्मों का रिश्ता मेरा और स्पाइस का। सही बात है, लास्ट चैलेंज में भी ओंकार का स्पाइसी आया। भाई पता नहीं किस्मत मेरी पड़वाना क्यों जाती है। जिंदगी में कभी नहीं किया मैंने फैक्स और अब हम खाएंगे स्पाइसी नूडल वो भी 3x। भाई साहब इतने स्पाइसी होते हैं ना ये, अगर आपको स्पाइसी खाने का शौक है ना ये एक बार जरूर ट्राई करना। आपने कभी 3x नूडल खाए हैं तो एक बार कमेंट करके बताना आपको स्पाइसी लगते हैं या नहीं। जल्दी से बनाते हैं और इन्हें खाते हैं और हालत खराब करते हैं। और जी 3x नूडल की जो कातलाना चीज है ना वो है सिर्फ ये चटनी। सही बात है, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि 3x वाले नूडल और मैगी का मसाला बना लूं, ये फेंक ही दूं मैं डस्टबिन में। फ्यूचर में करेंगे क्रेजी फूड एक्सपेरिमेंट्स, अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर दो, उसमें हम मैगी लेंगे ये वाले मसाले के साथ बना के देखेंगे क्या तब भी स्पाइसी रहेगी। ओए होए होए क्या बात है, क्या धुआं निकल रहा है। ये है जानलेवा नूडल्स, इसको ना जानलेवा नूडल्स के नाम से बुलाना चाहिए। सही बात है, ये धुआं ना अभी थोड़ी देर में तुम्हारे में से भी निकलेगा। जादू मेरे कानों से निकलेगा। खाने का मन नहीं कर रहा स्पाइसी नूडल्स। कोई नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, मैं तुम्हें देखूंगा खाते हुए। एक बाइट तू ले ले। नहीं मैं नहीं ले रहा, एक बाइट बस। एक चलो पहली बाइट मैं लूंगा, बाकी सारे खा लोगे। हाँ चलो ठीक है। अब इसके एक्सप्रेशन से मुझे पता लगेगा कि मेरी कितनी बैट बजनी है। खाओ तो सही, मैं देखने तो देखो कितना दिखे। एक स्पाइसी होता है जो थोड़ी देर बाद फील होता है स्पाइसी, मुंह में जाते ही। भाई इसको देख कर तो मुझे डर लगने लग गया। अब इवन दो मैंने 3x नूडल्स पहले खाए हुए हैं। करो मैं बंदा ही भाग गया अपना, मेरे से सहन नहीं होता इतना स्पाइसी। लेट्स डू इट। क्यों बनाए ये नूडल? ये सिर्फ चैलेंजेस करने के लिए नूडल बने हैं। इनिशियली तो स्पाइसी लग रहा था पर थोड़े टाइम के बाद पसीने निकाल दिए इसने। पसीने आ रहे भाई इस बंदे को, इतने तो मेरे को शाम को रनिंग करके नहीं आते। ओ हाँ अब जल्दी से मैं ये खत्म करता हूँ, अगला करते हैं अगला डेयर क्या होता है। हाँ जी दूसरों के बारे में बहुत बोल रहे थे। मारा मैंने ठीक है, वो मैंने टाइमर लगाया हुआ था डार्ट में कि थोड़ी देर बाद बोलना ठीक है। टाइमर लगाया हुआ था। ईट मैकडॉनल्ड्स फूड एट बर्गर किंग। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब मेरे को मैकडॉनल्ड्स से चीज खरीदनी है फिर बर्गर किंग में बैठ के खानी है। बाहर निकाल देंगे मेरे को, कोई बात नहीं, यही तो मजा है, यही तो देखना चाहते हो। तभी तो ये डेयर है। जैसे मेरा जन्मों जन्मों का नाता है मिर्चियों के साथ, वैसे ही आदित्य का जन्मों जन्मों का नाता है ऐसे पुट्ठे सीधे डेयर्स के साथ। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है ये लड़का कर देगा, कर देगा। लोगों को इतने अच्छे लगते हैं मेरे ऐसे उल्टे पुल्टे काम, मेरे को लगता है मेरी शरीफ शक्ल पे ऐसे उल्टे काम लोगों को ना मजा आता है देखने। यार मैं गारंटी दे रहा हूँ इंडिया की तरफ से तुझे बेशर्मी चक्कर का अवार्ड मिलेगा किसी दिन। मिल जाए तो कुछ तो अवार्ड मिलना चाहिए जिंदगी में एक आदमी। चल चल तो भाई साहब पहले जाते हैं मैकडी में अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। कोई एक ऐसी चीज खा जो बर्गर किंग पे मिलती ना हो। क्या नहीं मिलता बर्गर किंग पे? पता नहीं, बर्गर किंग वाले कॉपी करने में माहिर है, उन्होंने सब रखा हुआ है। हैप्पी मील ले ले, हैप्पी मील नहीं मिलती वहाँ पे। हैप्पी मील ले लो। हाँ हैप्पी मील, हैप्पी मील। तो गाइस मैंने ले ली हुई है कार्तिक आर्यन मील और पता नहीं क्या होती है कार्तिक आर्यन मील, नॉर्मल मील ही ली है। अब मिशन को सक्सेसफुल करते हैं बर्गर किंग। चलो यार छोटे मोटे काम है मेरे लिए, कोई बड़ी बात है? मैंने इससे बड़े बड़े टास्क करे। मैं चाहता हूँ वो ना धक्का मार के निकाल ले इसको बाहर। चलो कितना चला गया, नीचे चला गया, चला गया साथ। ये प्रोफेशनल हो गया, PhD कर ली हुई है बेशर्मी में इसने। मेरे को भी खिलाज, मैं भी आदित्य के साथ बेशर्मी करूंगा फुल ऑन। ये लो हमारे डैडी को खिलाया हूं यार, ऐसे छोटे बड़े टास्क मत दिया यार। कार्तिक आर्यन को हमने बर्गर केक का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। वाओ
पर साला है मेरा तो साथ दूंगा इसका। बर्गर खा रहा हूँ इसलिए साथ दे रहा है, अगर मैं सैलेड खा रहा हूँ तो काले 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 मैं देखा जाए ना जब हमने पहली बारी बेशर्मी वाला काम किया था बहुत डर लगा था उस टाइम, डर लगा था, अब डर लग ही नहीं रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। धक्के मारने देंगे नहीं। खत्म करते हैं मील फिर चलते हैं। 1 2 3 कम ऑन। वाह मजे आ गए। हॉट चाय विद ग्रीन चिली। वाह हरी मिर्च और साथ में गर्मा गर्म चुस्की वाली चाय। मजा आ जाएगा मुक्ति को आज। बारी आ चुकी है मुक्ति गौतम का प्रदर्शन दिखाने की। देखो मैं बना रही हूँ चाय, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं चाय के अंदर मीठा थोड़ा सा ज्यादा डालूंगी, जिससे क्या पता गर्मा गर्म चाय के साथ जब मिर्ची खाएगी ना कोई मीठा काबड़ी करेगा। एक तो गर्म के साथ वैसे ही चिली और ज्यादा चिली लगती है। सही बात है यार। अब मुक्ति मुझे ये बता पहले मिर्ची की बाइट लेगी या चाय की चुस्की लेगी? मैं खुद खाओगी? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तुमने अपने जो वो नूडल्स खुद खाए थे ना? मैं खा। बड़ी बाइट ले ले, बड़ी बाइट ले ले। सारा खा ले, खा ले, खा ले, खा ले। यार नहीं मैं सारा नहीं खा पाऊंगा। सारा खाना पड़ेगा, खा। बहुत टाइम हो गया ऐसे ला। बड़ी बाइट ले, छोटी सी इससे क्या होगा, ये तो दाढ़ में फंस जाएगी। खाए खाए। हाँ वेरी गुड। मार मार चाय की चुस्की, मार नीचे कर दवाई की तरह अंदर। हाँ टेस्टी टेस्टी और नमकीन समझ के खा ले, खा ले। इतने में सोच लो होगी इसकी। तुम भी क्या देखो, तुम भी क्या देखो। मैंने मैं मेरी बस हो गई है, मेरा आज का स्पाइस का कोटा पूरा हो गया हुआ है। योर टर्न, डू इट, यू कैन डू इट। मुक्ति उंकार की बीवी है तू। अरे हाथ पीछे करो, चाय की दवा मेरी नूडल्स याद आ गए। चल चल चल, एक बड़ी बाइट मार मिर्ची की। बड़ी बाइट, बड़ी बाइट, बड़ी बाइट। ओ तेरी चख दिए फटे, जवाड़ा कांपने लग गया इसका तो। चीटिंग हुई है यहाँ पे, ये देखो ये है प्रो की शक्ल। ओहो क्या बात है, नाइस। तो जी डेयर आया डोनेट 50 बर्गर्स एंड ये वाला डेयर जो है रन मिलके करते हैं। हाँ, ये तीनों करेंगे मिलके, जल्दी से जाते हैं और खूब सारे बर्गर खरीद के लाते हैं। बारी आ चुकी है आखिरी डेयर की और आ चुके हैं मैकडोनल्ड लेने अपने 50 बर्गर। अब देखना ये है कि 50 बर्गर बनने में टाइम कितना लगता है और पहली बार जिंदगी में 50 बर्गर का ऑर्डर देने जा रहा हूँ। पंजाब मैक आलू टिक्की हो जाएंगे, कितना टाइम लगूगा? सर हाफ एन आवर कर दो। चलो फटे बेटा, तुम लोग हैप्पी मील लेके खुश हो जाओ, ये होती है असली मील। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैकिंग के साथ आ चुके हैं अपने बर्गर। अब देखना ये है कि जितना टाइम इन्हें बनने में लगा है क्या वर्ताने में उतना टाइम लगेगा या उससे कम? मुझे लगता है कम लगना चाहिए। हाँ है ना, मेरे हिसाब से 5 मिनट का काम डन हो जाएगा। चल भैया मैं पकड़ता हूँ तेरा बांटने का काम। चलो भैया जी बर्गर खा लो यार, आप दूसरों को खाना खिलाते हो आज हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। अरे ले ले उठा ले भाई, ये लो भैया, ये लो जी। चलो 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 चलो। आगे कुलचे वाले भैया हैं, उनको बर्गर देते हैं, मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, उनको बर्गर स्वाद ही नहीं लगेगा। भैया बर्गर खाओगे? नहीं खाओगे? मैं कुलचा खाऊंगा अपना, मैं बर्गर क्यों खाऊंगा है? ले लो भैया खा लो। ये लो बर्गर खाओगे भैया? ये लो जी, ये लो भैया। थैंक यू जी। भैया ये लो बर्गर। सारे बर्गर यूज हो चुके हैं, लग चुके हैं। अच्छी चीज ये हो गई कि यहाँ पे रामलीला होने वाली थी, तो जितने भी आर्टिस्ट थे और जितने भी लेबर वाले थे जो भी सारा अपना काम कर रहे थे सब में बांट दिया और अच्छा लगा, खुश होके खाया स्पेशली बच्चों ने। तो गाइस इसी के साथ करते हैं वीडियो को खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पूरी वी में पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ना उसे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना और उसे क्लिक करके दिवाली हैंपर को खरीदना। आप पा सकते हैं मौका पूरी वी का पार्ट होने का एंड रीति रिवाज पूरे कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। बाय बाय गाइस।